पद वो अरुण ने करके दिखाया। अरुण जब मुझे सबसे पहले मिले थे तो सब्जियां लेके आए थे, मैं ये बेचता हूँ और आपके लिए लाया हूँ, और आप तो मेरा ये एल्बम जो है रिलीज करना है, तो वो भी हम पहुंच गए थे उसमें। और अभी 3-4 दिन पहले ही और भिंडी और लौकी लेके आए थे हमारे घर। अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ सीधा, लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, तो उसकी ओपनिंग के लिए मैं गया था। मैं था बाबा रामदेव, क्या बात, वहां के एक्स सीएम अखिलेश, शाम को योगी जी आने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ पहुंचना था, वादा किया हुआ था, तो मैंने बस वो खत्म किया और फ्लाइट लेके आपके पास पहुंच गया हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। और वो इसीलिए पहुंच गया हूँ, ये वादा बहुत बड़ी चीज होती है। ये भी मैं कह सकता था फोन पे, यार वो वहां फंस गया हूँ और योगी जी ने रोक लिया है और उसने रोक लिया है। बड़ा आसान होता है नहीं कहना, नहीं कहना बहुत इजी होता है, लेकिन वो मुझे आता ही नहीं कहना। अगर मैंने हाँ कह दिया तो हाँ कह दिया, वो हाँ कह के बिग बॉस पहुंच गया था। बड़े तरीके थे निकलने के, लेकिन किसी को हाँ कह दिया था, और जब हाँ कह दिया तो फिर पहुंच गए, और 1.5 महीना पेड हॉलीडे मना के चले आए। पैसे भी अच्छे मिले और 1.5 महीना हॉलीडे जबरदस्त रहा। तो ये इंसान को अपने जीवन में करना चाहिए कि अगर कहीं वादा कर लिया है तो वो निभाना चाहिए, समय पे पहुंचना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत अच्छे लोग यहाँ हैं जो अच्छी बातें लिखेंगे आज के इवेंट के बारे में। एक हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ पिछले हफ्ते से, उसका नाम है अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ, और वो आज तक का एक नया चैनल है गुड न्यूज टुडे GNT। वो सुबह 7 बजे मैं उसमें आता हूँ, और उसमें सोनू सूद भी आते हैं शाम को, आधा घंटा वो आते हैं आधा घंटा मैं आता हूँ। तो हम चाहते हैं धीरे धीरे वो समय आ जाए कि आधा घंटा उसमें अरुण भी आए और अपने गाने सुनाए। खूब तरक्की करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग हिम सपोर्ट, एनकरेज कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, एक और कोइंसिडेंस है कि दो बहुत ही ग्रेट लोग अपना बर्थडे शेयर करते हैं, आप और सोनू सूद जी। 69 ग्रेट तो एक ही है, सोनू सूद। मैं तो ठीक है, देखिये सोनू सूद, मैं, संजय दत्त, और भी हैं 2-4 लोग जिनके मेरे ध्यान में है, हम सब लोग 29 जुलाई एक ही दिन शेयर करते हैं। उसमें हमारे एक एक दिन के डिफरेंस में सोनू निगम भी है, वो 30 जुलाई है, हमसे एक दिन पहले हमारे PR जो करते हैं प्रीतम शर्मा, वो भी हैं। तो ये जो PR बिजनेस है ना, पूरा प्यार का बिजनेस है, प्यार भरा बिजनेस है। तो ये लोग, इस प्रोफेशन के लोग जो होते हैं, वो बड़ा सबसे प्यार मोहब्बत, सबसे खूबसूरत संबंध बना के काम करते हैं। तो वो जो हम शेयर करते हैं उसमें इतनी बात है कि उसमें स्टार एक ही है, हम तो सबके दोस्त हैं, काम करते हैं। थैंक यू सो मच अनूप जी, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो जब मैं सोनू जी के पास गया था और सोनू जी को मैंने बोला कि सर मैं आपको लेकर एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ, थोड़ा आगे जाओ हल्का सा बस, तो बस। क्या है कि मैं मतलब एकदम नॉर्मल गया था, जैसे कि पैर में चप्पल थी मेरे और टी शर्ट भी थोड़ी फटी हुई थी। तो जैसे मैं सोनू जी से बोला कि सर मैंने ये काम किया है वो काम किया है, तो सोनू जी ऊपर देखते थे नीचे देखते थे, ऊपर देखते थे नीचे देखते थे। तो उन्होंने बोला कि बोले और भी बना रहे तो आप भी बना, बोले मेरे को कोई एतराज नहीं है। मैंने बोला सर लेकिन मैं औरों की तरह नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ हटके बनाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने बोला, मुझे बोला कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, बोले। फिर मैंने गाने का स्टार्ट किया। और आपने जब देखा तो आपको खुद ही पता है कि आपके लिए एक गाना बनाना कितनी बड़ी बात है, एक सॉन्ग प्रोड्यूस करना कितनी बड़ी बात है। तो जब जो आप मुझे बता रहे थे कि कैसे आपने सोच तो लिया और उसके बाद निकलने के बाद आप पूरे टाइम ये सोचते रहे कि अब मैं बनाऊंगा कैसे, कैसे स्केल का गाना बनाऊंगा कि उसे ट्रिब्यूट माना जा सके, तो वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। उस जर्नी के बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने डिसाइड तो कर लिया कि यार मुझे सॉन्ग बनाना है, और वो भी कोक स्टूडियो से भी बढ़कर मुझे बनाना है। तो सबसे पहले आता है कि फंड कहाँ से लाएंगे। दिमाग में बहुत सारे सोच आ रहे थे, और मैंने बोला कि सोनू जी को मैंने कमेंट भी कर दिया है कि सर मैं कुछ हटके करके दिखाना चाहता हूँ। तो अभी पैसे आएंगे कहाँ से, बहुत बहुत बड़ा सवाल बन गया था मेरे लिए। और उस टाइम पे तो मतलब बोलते ना कि बहुत डिफिकल्ट समय था मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं अपने जो बड़े भाई है, प्रोड्यूसर है, अशोक हाड़िया जी के पास गया मैं, और मैंने उनको बोला कि सर मैंने इस तरह का सॉन्ग प्लान किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अंजाम देना चाहिए। तो अशोक जी ने भी देखा कि बंदे में दम तो है, और बंदे ने एक बात कमाल की है कि सोनू सूद को डेडिकेट करना है, और सोनू सूद साहब ने मतलब जो काम किया वो उनके बहुत बड़े फैन रहे। तो उन्होंने बोला कि अरुण देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिटर्न तो कुछ आता नहीं है, लेकिन एक बार मैं वापस ट्राई करना चाहता हूँ, तो मैं अपने तरफ से आपको इतनी हेल्प करना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं अपने सीनियर प्रोड्यूसर सुभाष डावर जी के पास गया, और मैंने उनको बोला कि सर इस तरह का प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें थोड़ी हेल्प करें। उसके बाद प्रोड्यूसर मतलब सुभाष डावर जी ने बोला कि ठीक है मैं अपनी तरफ से आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद मैं और प्रोड्यूसर के पास गया जो डॉक्टर संजय पटेल है, तो उनको भी मैंने सेम स्टोरी बताई। इस तरह से ये तीन लोगों का मिलाप हुआ, और तीन लोगों के मिलाप के वजह से ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। क्या बात, क्या बात। अब अरुण मैं आपसे जानना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर आपकी जर्नी के बारे में जानने के बाद सभी कोई जानना चाहता होगा कि ये सब्जी बेचते बेचते, जैसा कि अनूप जी शुरू में कह रहे थे कि लोग कर कुछ और रहे होते, करने कुछ और लगते हैं, तो सब्जी बेचते बेचते आपने सोचा कि आप सिंगर बने। वहां तक तो समझ आता है, हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पर आप बन गए, मतलब आपके पहले भी इतने सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं, ये आपने कैसे मुमकिन कर दिखाया, ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स जो कहीं दूर गांव में बैठा सब्जी बेच रहा है वो मुंबई तक का सफर तय करता है और अपने ख्वाब को वाकई पूरा करने लगता है। ये सफर कितना आसान कितना मुश्किल था आपके लिए, उसके बारे में? सफर तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बोलते ना कि मुश्किल चीजों में से इंसान कुछ सीखता है, और लेकिन सीखता तब है जब उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरे को सबसे पहले जो बड़ा सपोर्ट मिला वो अनूप जलोटा साहब का मिला था, और इन्होंने मतलब कभी मुझे मना किया ही नहीं। मैंने बोला सर मेरे को ये चाहिए, अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं हूँ, टेंशन मत लो, सर मुझे वो चाहिए। अनूप जी के मतलब मुझसे कभी ना मेरे लिए तो निकला नहीं, इसलिए मेरा हौसला बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और आज ये सॉन्ग बन गया। बट एक इट्स नॉट बिकॉज कि अनूप जी यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग मीडिया से वो भी खास तौर से जानते होंगे, अनूप जी इज क्वाइट पॉपुलर दो बातों के लिए, कि वो अपना कमिटमेंट निभाते हैं, और दूसरा वो अपनी तरफ से जिस भी टैलेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग अ सिंगल थिंग इन रिटर्न। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वन एंड ओनली पद्मश्री अनूप जलोटा जी। अरुण, कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा नहीं भैया ये क्या ख्वाब देख लिया मैंने, मेरे बस का नहीं है, ये पूरा तो नहीं हो सकता है, ऐसा कोई वक्त आया था? हर कदम पे मुझे वही लग रहा था कि ये पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं चलते गया वो होते गया। कोई सबसे मुश्किल वक्त अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना भी वक्त है वो तो तकलीफ वाला ही है, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी मूवी बन जाएगी। आपको बता दें कि अनुन मूवी भी प्लान कर रहे हैं, आई एम श्योर वो प्लान कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। सो कंग्रेचुलेशन अरुण, अगर आपकी इजाजत हो तो ये जो आपने ख्वाब देखा, सॉन्ग कंसीव किया, क्रिएट किया, उसको सबके साथ शेयर करें। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। मैंने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा, और इसमें बहुत ही प्यार से सबने काम किया है, बहुत प्यार से। अरुण बहुत टैलेंटेड हैं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है, सुर में गाते हैं, शब्दों को बहुत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लिखते भी हैं,
म्यूजिक भी बनाते हैं और किस्मत वाले हैं कि इनको प्रोड्यूसर भी मिल जाते हैं। आइए सुन लीजिए, स्वागत स्वागत। तो ये सब कुछ इनके पास है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद अगर प्रोड्यूसर ना हो तो कैसे काम करें, लेकिन सब काम बन जाता है इनका। और सभी इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इनको प्यार करते हैं, तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। बहुत जल्दी इनको फिल्म में भी गाने का मौका मिले, और जैसा कि कहा गया कि फिल्म भी ये डायरेक्ट करेंगे आगे चल के, वो भी करें, क्योंकि जो भी टैलेंट है उसको छुपा के न रखिए, उसको बाहर लाइए। और उसके लिए एक शेर आपको सुनाता हूँ कि खुशबू को महकने का हक है, ये खुशबू है, खुशबू को महकने का हक है, खुशबू को महकने का हक है, लेकिन हवाओं से दोस्ती करनी होगी। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो वो हवाएं कौन है, वो इनके प्रोड्यूसर्स हैं जो इनकी खुशबू को जगह जगह फैला रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से फैला रहे हैं। हमारे छोटे भाई सुनील जी आ गए हैं, एक बार मैंने इनका ऑटोग्राफ लिया था एयरपोर्ट पे, मिल गए थे। क्या बात। तो मैं जब टीवी पे आए थे तो बहुत मुझे अच्छा लगा था, मैं इनके पास पहुंच गया कि भाई ऑटोग्राफ दीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि ये भी अरुण को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा हौसला अफजाई के लिए इनके साथ हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आ रहा हूँ फ्रॉम पनवेल। अच्छा किया कि आपने नहीं किया अनवेल। सबसे अच्छी बात तो ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत एंकर का मतलब ये है कि कला से भी खूबसूरत, अदा से तो है ही। मुझे अभी अभी एहसास हुआ है मैं खूबसूरत हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं यहाँ पे। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जो इनकी बातों पे नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया, और जो बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया। अनुप जी ने जो मेरे बारे में कहा, ये सचमुच किसी अवार्ड से ऐसे अनुप जी की तरफ से कोई शब्द आ जाना तारीफ के लिए, ये बहुत बड़ा। और मैं आपको आज बता दूं, सारे ही कॉमेडीज इनको बहुत प्यार करते हैं, राइट फ्रॉम जॉनी लीवर साहब टू कपिल शर्मा, सब इनको बहुत प्यार करते हैं। हाँ यूज करते हैं, बल्कि इनकी वजह से हमारा जो घर का एक आध दीवार तो इनकी वजह से बनी है। लेकिन आप कॉमेडी के बीच में दीवार ना बने। अनुप जी के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि माइकल जैक्सन, एमजे, अगर हमारे हॉलीवुड के पास एमजे है तो हमारे पास एजे है। अनुप जलोटा, कुछ लोगों को क्लियर करना पड़ता है। अनुप जी दुनिया से अलग है, उसका कारण बता रहा हूं। दुनिया के लिए कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इनके लिए कहावत है, पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ फिर दाल रोटी खाओ। इन्होंने खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी, हालांकि उनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अनवील करने वाले, भजन समाज पार्टी। तो ये हमेशा, और भजन के मामले में तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ही इनका कोई हाथ नहीं पकड़ता, सीधा पैर ही पकड़ते। मतलब इतने देवी देवताओं पे भजन गाए, सारे ही देवी देवताओं पे भजन गाए, सबके सब सारे देवी देवता इनको पर्सनली जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, सबसे बातचीत होती रहती है, फोन नंबर भी है। हाँ, फोन नंबर। तो मैं समझता हूँ कि एक आइटम जो इन्होंने मुझे सिखाया है वो मैं बता देता हूँ, बच्चन साहब पर है। बच्चन साहब ने गाना गाया था, अरुण तुमने जो गाने गाए वो तो सुपर हिट होंगे ही, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मुकाम सिंगिंग में अमिताभ बच्चन साहब की जगह हो, सिंगिंग में, और तुम वहां तक पहुंचे, क्योंकि तुम्हारा नाम ही अरुण उदय है, अरुण मतलब सूरज, उदय तो नारायण का मतलब। अब हार्ट मिलना चाहिए यार। दो मिनट तो समय है ना, प्लीज सर टेक योर टाइम। इनके लिए शेर कह देता हूँ ताकि उनको रिलैक्स फील हो, पेमेंट मिल जाए। ये लड़की नहीं देश का गहना है,
अच्छा यहाँ पर जो ऑडियंस है वो वाह वगैरह बोलती है, वाह 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 वाह, ये लड़की नहीं देश का। देखिए क्या, मैं तो बोलता रहूंगा, मेरे पास में लॉकडाउन में कोई काम ही नहीं था, बड़े मुश्किल से मेरे हाथ में माइक आया है अरुण जी की मेहरबानी की वजह से, अब मैं बोलूंगा। लेकिन लॉकडाउन में आप लोग इतना बोले हैं कि अब शांत हो, इतना शांत हो। तो कहने का मतलब अभी प्रीतम जो पीआरओ है अपना है या नहीं पता नहीं होगा, वो है पीआरओ, लेकिन यहाँ शायद नहीं होगा। यहाँ कौन है, कोई होगा, अश्विनी जी शुक्ला ही। अभी मैंने प्रीतम ने मुझे डरा दिया, बोले भाई मैंने ये सुना है कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तुम तो पीआरओ जरा बताओ मुझे, पत्रकार लोगों तुम्हें पता होता है। बोले भाई तीसरी लहर जो है आएगी। मैं क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ सिर्फ तीसरी लहर ही नहीं और 17 लहरें आएगी। 17 लहरें कैसे आएगी रे, बोले COVID-19। बोले एक लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, अभी 17 और बाकी है। ऐसा डरा देते आदमी। मैंने फिर मैंने सच में नहीं नहीं बोले हम संभाल लेंगे, हम लोग मीडिया वाले। तीसरी लहर अब अगर किसी के घर आएगी तो वो सिर्फ आमिर खान के घर पे। तो अब बच्चन साहब का सुना देता हूँ, मेरे पास जो न्यूज फॉलो कर रहे होंगे समझ गए, सर ने बड़ी दूर की छोड़ी। और हाईलाइट ये है कि आमिर भाई से मैंने ये परसों ही सवाल पूछा, मैंने कहा शादी के मामले में आपके क्या विचार है सोहेल भाई, तूने कहा कि शादी एक जाति मामला है, शादी एक जाति मामला है और 2-3 शादी करना मेरा जाति मामला है। कौन सी जात, फिल्मी जात। मेरा अच्छा इल्मी जात नहीं। तो ये तो बच्चन साहब का कहना था, बता रहा था मैं जो मुझे अनुप जी ने सुना है सिखाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए एसी में भी मुझे पसीना आ रहा साहब के बाजू में खड़ा होकर, या तो एसी में पसीना आ रहा है या तो एसी बंद है। यस स्वीकार करो, इतनी हॉट लड़की बाजू में खड़ी कर दी तो पसीना नहीं आएगा है ना सर। मुझसे दो कदम और आगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। इस गाने में शादीशुदा औरतों की तारीफ की गई थी, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। एक भी लाइन इसमें कुवारों के लिए नहीं थी। तो अनुप जी को बुरा लगा, अनुप जी ने बच्चा साहब को कुवारों के लिए लाइन लिख दी। अब बच्चा साहब ने गा दी, वो कैसे गाई आप जितने कुवारे सुन सकते हैं समझ सकते हैं, कुवारा कोई भी हो सकता है, वर्तमान का कुवारा, भविष्य का कुवारा, भूतपूर्व कुवारा, हैप्पीली अनमैरिड, एलिजिबल बैचलर, नॉलेजेबल बैचलर, कोई भी हो सकता है। और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, सबको अपनी समझो। और सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है। फाइनली मैं यही कहूंगा, कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने होते तो अरुण को कैसे शुभकामना देता। लिद्रा मैं जानता हूँ लॉकडाउन में बहुत सारे सूर अंदर ही रहे, बाहर आ ही नहीं पाए, लेकिन आज वो दिन आ ही गया कि सुरों का अरुणोदय हो गया। मित्रो मत रो, आप सबके पास अच्छे अच्छे गाने आएंगे, फसाने आएंगे, फसाने मतलब वो फसाने नहीं जो फसाने आते हैं, वो फसाने नहीं, अच्छे अच्छे गाने आएंगे। मेरे तरफ से अरुण को और उनकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो मोहतरमा कार्यक्रम तो समाप्ति की तरफ है, धन्यवाद। मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहते हैं। छोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी ने आज ये निर्णय लिया है कि भाई अरुण का गाने के साथ में जो संबंध है ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, इसलिए उनके गाने को हमारा समर्थन है, संपूर्ण समर्थन है, क्योंकि अरुण मेरे घर जैसा है, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूँ। जो कानून तोड़ेगा, कानून फिर उसको तोड़ेगा। आप शांति रखिए, घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और अरुण भाई के गाने सुनते रहिए। और इस माहौल में आपने मुझे बुलाया मेरे साथ में, और मेरी पार्टी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार ये पार्टी मैं दूंगा, उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, थैंक यू भाई। एक शेर में सुनाना चाहता हूँ कि खुशबू को महकने का हक है, खुशबू को महकने का हक है,
लेकिन हवाओं से दोस्ती करनी होगी। तो अरुण जी खुशबू हैं, बहुत अच्छी महक है, इनके अंदर जो टैलेंट है वो बहुत खूबसूरत है, और इनको हवाएं भी मिल जाती हैं, इनके दोस्त प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं जो इनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक इंसान सोनू सूद जो दिल से सबकी मदद कर रहा है उसके लिए इन्होंने ये गाना लिखा, कंपोज किया और गाया। ये एक बहुत अच्छा जज्बा है कि किसी दूसरे की तारीफ़ करना। लोग अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, दूसरों की नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अरुण ने उनके लिए गाना भी बना दिया और उन तक पहुँचा भी दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं अरुण को मुबारकबाद देता हूँ। अनुजा आपसे अनुज जानना चाहूँगा कि आपका ये जो पहल था, कब आपको यह आया कि आप इस तरह का एल्बम निकाले, कब ऐसा एहसास हुआ कि आपको ये प्रयास करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि सोनू सर जो काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार एक इंसान कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने लोगों की हेल्प कर रहा है, तो बस मुझे लगा कि यार मुझे उनके लिए एक सॉन्ग बनाना है कैसे भी करके। तो मैं सोनू सर के पास गया और उनसे डिस्कस किया और ये सॉन्ग का स्टार्ट हो गया। अरुण जी आज ही मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह एक तरफ सोनू सूद जी जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तरह लोग जो कुछ लोग जो हैं उनके रास्ते में रोड़े अड़ाते हैं, लाइक आज उनके घर से आज आईटी की रेड भी पड़ी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ आकर ही पता लगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो इन चीज़ों में हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात हुई होगी कि उसकी खोजबीन करने के लिए इनकम टैक्स वाले पहुँचे। इस बारे में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ये अलग बात। सर देखिए, जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके लिए रोड़े तो बन ही जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो इंसान ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, जो आज सरकार को करना चाहिए वो काम उन्होंने किया है। तो उनके बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि वो आगे ही बढ़ेंगे, अब कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं आएगी। अरे मुझे ये भी कहना चाहूँगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर शो भी कर रहे हैं गुड न्यूज़ पे, उस शो के बारे में थोड़ा बता दे तो अच्छा रहेगा कि क्या शो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आगे करने वाला है। आज तक चैनल ने एक नया चैनल शुरू किया है, गुड न्यूज़ टुडे, GNT। गुड न्यूज़ टुडे में मैं भी हूँ, सोनू सूद भी हैं, सुबह 7 बजे मैं उसमें अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ इस कार्यक्रम में आता हूँ, और शाम को सोनू सूद आते हैं, वो भारत की कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर उसके बारे में बोलते हैं। ये बहुत अच्छा चैनल है, और आज सुबह ही हमने एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक नया चैनल लखनऊ में लॉन्च किया, तो अच्छी बात है कि पॉजिटिव थॉट वाले चैनल अब आने लगे हैं, जिसमें ना कहीं कोई रेप की खबर है, ना कहीं कोई मर्डर की खबर है, वहाँ खबर यही है कि अच्छी अच्छी बातें क्या हो रही हैं समाज में, इसकी बहुत ज़रूरत थी और वो होने लगा। आपका पर्दे क्या चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आईटी की रेड आज सोनू सूद के घर पर पड़ी, क्या आप ये मानते हैं कि एक अच्छा इंसान, कोई भी अच्छा से जो अच्छा काम करता है, पूरा मसीहा की तरह जानते हैं, कि एक कोई भी जब अच्छा काम करने जाता है तो राह में रोड़े बहुत आते हैं? सर बिल्कुल सर, अभी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मैंने बोला ना कि लोग तो रोड़े डालेंगे लेकिन वो आगे बढ़ते ही जाएंगे सर, ये मेरे दिल की दुआ है। अरुण जी पर्दे पे काफी अच्छे लग रहे थे, गा रहे थे, लेकिन रियल में जो गाना है, अगर 2 लाइन गा दें, मतलब रिक्वेस्ट है मीडिया की तरफ से, आप रिश्ता ना हो के भी सबसे रिश्ता निभाया है, बन के फरिश्ता वो सबके काम आया है, जब जब जहाँ भी जिसने है पुकारा उसका बना है सहारा, वो हाँ वो बड़ा ही खौफ का मंजर फिर भी कभी ना घबराया, वो है इंसानों में ग्रेट, वो ग्रेट सोनू सूद, वो है इंसानों में ग्रेट, वो ग्रेट सोनू सूद, वो दिल से है सलाम, दिल से है सलाम, दिल से है सलाम, दिल से है सलाम। क्या नेक्स्ट सॉन्ग अनूप जी के लिए कुछ आगे सोचने वाले हैं ऐसा कुछ? अनूप जी का आशीर्वाद ही है मेरे लिए।
वो एक सिंगर है लेकिन एक सिंगर को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर। एक बहुत अरुण जी का गाना आया है लॉकडाउन के बाद, वैसे ही हम लोग अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, चाहे वो फिल्म देखने के लिए हो, सुनने के लिए गाने हो, या कॉमेडी हो, या कुछ भी हो सर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, और अरुण निगम साहब के साथ में मतलब दो स्टारों का नाम जुड़ा हुआ, एक तो अरुण मतलब सूरज, ऊपर से सोनू निगम साहब निगम, हो सकता कि ये सुरों की दुनिया के सूरज हैं, और इनको बहुत आगे तरक्की मिले, कामयाबी मिले, यही दुआ करता हूँ, खूब आगे बढ़े और अच्छे अच्छे गाने और देते रहें। और इंडस्ट्री से भी मैं निवेदन करता हूँ, जो बॉलीवुड में गाने बन रहे हैं, आपके पास बहुत ही अच्छा टैलेंटेड सिंगर है, इसे आप अपने फिल्मों में गवाएं, कि बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी सोच है, और आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, मेरे भाई अरुण को शुभकामनाएं देने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ और मालिक करेंगे हमेशा खुश। थैंक यू सर, थैंक यू सर।